वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ आज वार्म अप में दिखेगा भारत का रौद्र रूप। पहले एशिया कप फिर कंगारू टीम और आज इंग्लैंड को धूल चटाएगा भारत। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया दिखाएगी सभी मेहमान टीमों को आज अपनी ताकत। 4 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया का चैंपियन बनने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। भारत में शुरू हो रहे वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां तो कई दिनों से और महीनों से चल रही हैं, लेकिन जो 15 खिलाड़ी टूर्नामेंट में अपनी अपनी तैयारियों की दावेदारी पेश करेंगी उनका आखिरी अभ्यास शुरू हो चुका है। 29 सितंबर से वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच भी शुरू हो चुके हैं और शनिवार यानी आज भारतीय टीम ऐसे ही एक मुकाबले के लिए मैदान में उतरेगी। टीम इंडिया के सामने पहली चुनौती है मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड। ये मैच टीम इंडिया को पूरे वर्ल्ड कप के दौरान सबसे अहम समस्या से निपटने के लिए तैयार करवाएगा। वर्ल्ड कप के 3 वार्म अप वेन्यू में से एक गुवाहाटी में भारतीय टीम अपना पहला अभ्यास मैच खेलेगी। अगले अभ्यास मैच में भारत को नीदरलैंड से भिड़ना है। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ इस अभ्यास मैच की अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि इंग्लिश टीम में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो भारत को बाकी टीमों के खिलाफ तैयार करने में मदद करेगी। जाहिर तौर पर इंग्लैंड इस मुकाबले में अपनी पूरी ताकत तो नहीं झोंकेगा, नहीं टीम इंडिया ऐसा करेगी। फिर भी भारत के लिए खास वजह यह है कि मुकाबला अहम रहेगा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया को पिछले कुछ सालों में खास परेशानी से जूझना पड़ा है, जिसमें खुद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे 2 दिग्गज बल्लेबाज शामिल हैं। ये हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष। ट्रेंट बोल्ट हों या शाहीन शाह अफरीदी या मिचेल स्टार्क, इन 3 दिग्गज लेफ्ट आर्म पेसर्स ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे ही कई अन्य पेसर्स रहे हैं जिन्होंने टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को खास तौर से फंसाया भी है, क्योंकि भारत के पास शीर्ष दाएं हाथ के बल्लेबाज ही हैं और ऐसे में लेफ्ट आर्म पेसर्स के स्विंग और एंगल उन्हें परेशान करते रहते हैं। इंग्लैंड की टीम में बाएं हाथ के 3 मीडियम पेसर हैं जिनके पास रफ्तार ज्यादा नहीं है, लेकिन ये तीनों ही मुश्किल एंगल बनाते हैं, खासतौर पर डेविड विली और रीस टॉपली। उन्हें लंबे कद के कारण उछाल भी मिलता है। पिछले साल इंग्लैंड में हुई सीरीज में दोनों ने परेशान भी किया था। वहीं सैम करन ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो भी कटर्स और स्विंग का इस्तेमाल करते हैं। अब भारत को छोड़कर वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं लगभग सभी टीमों के पास बाएं हाथ के पेसर्स हैं। ऐसे में उनसे निपटने के लिए अभ्यास का इससे अच्छा मौका शायद ही मिले। इसके अलावा आदिल रशीद के रूप में कमाल का लेग स्पिनर भी है और यहाँ भी भारतीय टीम के ज्यादातर बल्लेबाज स्वस्थ रहे हैं। ऐसे में साथ में मोइन अली की ऑफ ब्रेक भी है जो ग्लेन मैक्सवेल से ज्यादा घातक साबित हो सकती है, इस लिहाज से ये भी वार्म अप मैच में अहम साबित होगा। सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजों के लिए भी अहम है। हालांकि इसमें देखने लायक होगा कि क्या टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव जैसे अपने एक्स फैक्टर गेंदबाजों को इस मैच में उतारती है नहीं। दोनों ही सितारों ने हाल ही के वक्त में शानदार वापसी की है, ऐसे में उन्हें न सिर्फ फ्रेश रखने बल्कि कम से कम एक्सपोज करने की सोच भी हो सकती है। इस लिहाज से इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाजों के सामने शार्दुल ठाकुर, रविचरण अश्विन, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या जैसे गेंदबाजों की सबसे ज्यादा परीक्षा होगी, क्योंकि बीच के ओवरों को यही गेंदबाज संभालेंगे और इंग्लैंड की खासियत है कि उसके बल्लेबाज भी इस फेज में भी तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं। साथ इंग्लैंड की बैटिंग डेप्थ से कैसे भारतीय बल्लेबाज निपटेंगे ये भी देखने लायक होगा। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।